नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच परिभाषिक शब्दावली में भी तमाम महत्वपूर्ण शब्दों को लाई हूँ, अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी, जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आरंभ करते हैं आज का क्लास। साथियों, पहले मैं आप सभी को बताती हूँ एडवांस। एडवांस का मतलब अग्रिम। हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम उस चीज़ को कम्प्लीट कराने के लिए अग्रिम धनराशि देते हैं, जिसको एडवांस इंग्लिश में बोला जाता है। अप्रूवल मतलब संस्तुति या अनुमोदन। अप्रूवल का मतलब संस्तुति या अनुमोदन। पहला शब्द आप सभी के बीच आया एडवांस, ठीक है, अर्थात अग्रिम। दूसरा शब्द आया अप्रूवल, अर्थात संस्तुति, और इसको अनुमोदन भी कहा जाता है। साथियों, आप अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी दोनों शब्दों को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि संभव है कि यदि तदर्थ पूछ दे तो इसका अंग्रेजी आपको पता होनी चाहिए कि एडहॉक, और यदि एडहॉक पूछ दे तो आप इसको ध्यान में रखेंगे हिंदी में तदर्थ, ठीक है। तो दोनों तरफ से आपको हर शब्द पर विशेष फोकस होनी चाहिए। सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब परिपत्र। रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब संचालन। डिडक्शन का मतलब कटौती। एंट्री का मतलब प्रवेश। ग्रांट का मतलब आपका अनुदान। इलीगल का मतलब अवैध। मेजर हेड का मतलब मुख्य लेखा शीर्षक। मेजर हेड का मतलब मुख्य लेखा शीर्षक। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन का मतलब अधिसूचना। रिमाइंडर का मतलब अनुस्मारक या स्मरण पत्र। ऑथराइज्ड का मतलब प्राधिकृत। ट्रिब्यूनल का मतलब अधिकरण। साथियों, मेरे द्वारा आप सभी को जो भी शब्द बताए जा रहे हैं वे परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। उसका कारण है कि जो भी शब्द बताए जा रहे हैं वो परीक्षा में कई बार ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षा के दृष्टिगत भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ही साथियों ये सारी क्लासेस खत्म होंगे, मैं पूरा प्रयास करूँगी आप सभी के बीच प्रशासनिक शब्दावली के प्रश्न कोष से संबंधित हुए तमाम महत्वपूर्ण शब्दों को आप सभी के बीच लाऊँ, जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अवश्य इन सारे शब्दों को अच्छे से याद कर ले। फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दूं। एडवांस, एडवांस का मतलब अग्रिम। अप्रूवल, अप्रूवल का मतलब संस्तुति या अनुमोदन, ठीक है। एडहॉक मतलब तदर्थ। सर्कुलर, सर्कुलर मतलब परिपत्र। रेगुलेशन, रेगुलेशन मतलब संचालन। डिडक्शन, डिडक्शन मतलब कटौती। एंट्री अर्थात प्रवेश। ग्रांट का मतलब अनुदान। इलीगल अवैध। मेजर हेड मुख्य लेखा शीर्षक। नोटिफिकेशन अधिसूचना। रिमाइंडर अनुस्मारक या स्मरण पत्र। ऑथराइज्ड प्राधिकृत। ट्रिब्यूनल अधिकरण। नेक्स्ट आते हैं अनुदेश। अनुदेश का मतलब इंस्ट्रक्शन। अनुदेश का मतलब इंस्ट्रक्शन। एकमुश्त लैमसम यानी क्रॉस सम। निविदा टेंडर, निविदा का मतलब टेंडर। रात्रि भोजन अर्थात डिनर या सुपर। रियायत आहार, रिबेट या कंसेशन, ठीक है। रियायत छूट आहार का मतलब रिबेट या कंसेशन। फिर से देखिए अनुदेश, इंस्ट्रक्शन, एकमुश्त लैमसम, ग्रॉस सम, निविदा का मतलब टेंडर, रात्रि भोजन डिनर या सफर, रियायत आहार का रिबेट या कंसेशन। नेक्स्ट देखिए एडवर्स, विपरीत। साथियों, एडवर्स शब्द का प्रायः प्रयोग किया जाता है, एडवर्स एंट्री हुआ या एडवर्स वर्क हुआ, इस संबंध में एडवर्स शब्द का बराबर प्रयोग किया जाता है। इस वजह से साथियों ये सब जो शब्द होते हैं आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं और इन शब्दों को बिल्कुल भी आप भूलेंगे नहीं। सेंसस जनगणना, प्रत्येक 10 वर्ष पर हमारे देश की जनगणना आयोजित की जाती है, देखा जाता है कि जनसंख्या का क्या स्वरूप है, ठीक है, ताकि कल्याणकारी नीतियों को बनाने में सहजता हो सके। लिटरेसी साक्षरता, लिटरेसी साक्षरता, लिटरेसी रेट साक्षरता दर, ठीक है। प्रिफ्रेंस प्राथमिकता या वरीयता, प्रिफ्रेंस प्राथमिकता या वरीयता। अप टू डेट अद्यतन, अप टू डेट अद्यतन। फिर से सुने एडवर्स विपरीत, सेंसस जनगणना, लिटरेसी साक्षरता, प्रिफ्रेंस प्राथमिकता वरीयता, अप टू डेट अद्यतन। नेक्स्ट है अनुस्मारक रिमाइंडर, अपमिश्रण एडल्ट्रेशन, करारोपण टैक्सेशन, अनुसचिव अंडर सेक्रेटरियल, पुनर्विनियोग री इन्वेस्टमेंट। तो साथियों आज मैं आप सभी को भी तमाम महत्वपूर्ण शब्द को बता रही हूँ, जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अनुबंध को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, एग्रीमेंट।
ऋणदाता क्रेडिटर, निवेश इन्वेस्टमेंट रोकड़िया कैशियर, अभिकर्ता एजेंट। ठीक है, तो आप अवश्य इन सारे शब्दों को नोट डाउन कर लेंगे ताकि आप सभी अपने परीक्षा में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकें। और चलते चलते और भी देख लीजिए, एब्रोगेशन निराकरण, चार्जशीट आरोप पत्र, एक्सप्लोरेशन शोषण, ग्रेडेशन श्रेणीकरण। तो साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी के बीच मेरे द्वारा भी तमाम महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिभाषिक शब्दावलियों को लाया गया जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पूरा प्रयास होगा आप सभी के बीच वे तमाम महत्वपूर्ण प्रशासनिक शब्दावलियों को लाना जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसी आशा विश्वास संदेश के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे। बेस्ट ऑफ लक और अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी के उज्ज्वल भविष्य के लिए। नमस्कार।